अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुरू कर रहे हैं। आप जो दसवां क्लास में सीखे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं सीखे हैं, आप जो सीखे हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। इसी में एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर रहे हैं या इसी को हम एक्सटेंड करें, कुछ और परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हैं, ये दो लाइन है ऐसा और ऐसा, इन दोनों के बीच में हम कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है और हम परपेंडिकुलर्स को ड्रॉप किए हैं उस लाइन पर विभिन्न विभिन्न पॉइंट्स से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं इस लाइन पर। ये सारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सब सिमिलर है, यानी दिस बटे दिस विल बी इक्वल टू दिस बटे दिस विल बी इक्वल टू दिस बटे दिस। तो अगर हम इस एंगल को एक नाम से डिनोट करें तो हम लोग एंगल्स को इस प्रकार डिफाइन किए हैं कि कोई एक डंडा अगर इस पोजीशन से नचते 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 एक कंप्लीट सर्कल अगर कंप्लीट करता है तो हम इसको कहते हैं कि वो 360 डिग्री से रोटेट किया है, और यहां से वहां तक का जो एंगल है उसको हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, 360। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। यानी अगर एक गोल चक्कर नचने को हम 360 डिग्रीज पुकारेंगे ऐसा डिसाइड किया है, इट मींस कि अगर वो आधा गोल चक्कर नचता है सेमी सर्कल और पूछें कि कितना एंगल से रोटेट किया है तो आप बोलेंगे हाफ ऑफ दिस नंबर, यानी 180 डिग्रीज बोलेंगे, और उसका आधा, आधा का आधा अगर डंडा इस पोजीशन से नचते नचते इस पोजीशन पे जाता है तो हम पूछें कि कितना एंगल से वो नचा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री पोजीशन। अगर वो नचते नचते इस पोजीशन तक आता है तो आप कहते हैं कि वो 360 का आधा यानी एक चौथाई 90 डिग्री से आप कहते हैं कि रोटेट किया है। इस पोजीशन तक अगर नचते हुए चलाए तो 180 डिग्री, इस पोजीशन तक अगर नचते हुए चलाए तो कहते हैं 270 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस अनदर 90, 270, और वापस इस पोजीशन तक आ जाए तो आप कहते हैं 360 डिग्री तक रोटेट कर गया। अगर आप बोलिएगा 1 डिग्री तो हम समझेंगे कि पूरे एक गोल चक्कर का 1/360 हिस्सा बोल रहे हैं आप। अगर आप बोलिएगा कि डंडा अब 45 डिग्री पोजीशन पे पहुंच चुका है नचते नचते तो हम समझेंगे कि 301 गोल चक्कर का 1/8 आप बोल रहे हैं, एक गोल चक्कर का आधा का आधा का आधा यानी 1/8 बोल रहे हैं। अभी तो जब हम बोलेंगे डंडा 30 डिग्री से रोटेट किया है, कोई एक पोजिशन होगा जहां हम 30 मार्क किए होंगे डिग्री, डंडा नचते 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 जब इस पोजिशन पे आएगा ये पोजिशन कौन सा होगा जो इसका 1/3 90 डिग्री का 1/3 या 360 डिग्री का 1/12। तो इंपॉर्टेंट ये नंबर नहीं था, इंपॉर्टेंट था 1/12 ऑफ 1 रेवोल्यूशन। दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जब हम एंगल को कोई एक सिंबल से डिनोट कर रहे हैं कुछ थीटा, और इस लाइन पे विभिन्न विभिन्न पॉइंट से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं दूसरे लाइन पे, तो ढेर सारा सिमिलर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स मिला है। अगर हम एक स्केल लेकर के इस लंबाई को नाप लें, एक्चुअली चित्र बनाए नाप लें और इस दूरी को नाप लें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप इस एंगल को थीटा बोलते हैं, इस एंगल को, ये तो 90 डिग्री है, तो अगर आप इस एंगल को थीटा बोलते हैं तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है इसको बोलते हैं ट्रायंगल का परपेंडिकुलर,
और इसको जो एंगल के बगल वाला यानी एडजेसेंट जो साइड है इसको बोलते हैं बेस ऑफ द ट्राइंगल, और जो सबसे लंबा साइड है उसको हम लोग ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर हम इस एंगल के टर्म्स में बात करते तो इस एंगल के लिए ये हो जाता बेस, और उसके सामने वाला साइड को बोलते परपेंडिकुलर। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एक्चुअली में लंबाई नापे स्केल लेके सम सेंटीमीटर्स, परपेंडिकुलर का लंबाई, बेस का लंबाई और हाइपोटेन्यूज का लंबाई, उनको हम P1, B1 और H1 यहां से यहां तक का दूरी नापे हैं। और अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का सिमिलरली P2 यहां से यहां तक का दूरी B2 और यहां से यहां तक का दूरी H2 या उस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर्स को मेजर करें P3, इस लंबाई को B3 कहें यहां से वहां तक का और इस लंबाई को H3 कहें अगर मेजर करें, तो हम लोग को पता है दिस बाई दिस का रेशियो इक्वल टू होगा दिस बाई दिस, चूंकि सिमिलर है, इक्वल टू होगा दिस बाई दिस चूंकि सिमिलर है। तो यहां पे तीन बड़ा महत्वपूर्ण रेशियो है, दिस बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो सभी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सेम है, यानी फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा दिस बाई दिस का रेशियो थ्रू आउट सेम होगा। हम उस रेशियो को डिफाइन करते हैं, एक नाम रख देते हैं साइन रेशियो ऑफ दिस एंगल। जैसे हम अगर कहेंगे कि हमको साइन 25 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब हम मीन कर रहे हैं कि आप दो स्ट्रेट लाइन बनाइए, उन दोनों के बीच का एंगल 25 डिग्री रखिएगा, दो रे बना लीजिए। अब 25 डिग्री का मतलब डिसाइड हो चुका है, क्योंकि एक प्रोटेक्टर ऐसे रख दें तो उस पर रेज ऐसे बना होता है मार्क, यहां 90 लिखा होगा, यहां 180 लिखा होगा, यहां 0, जहां 25 लिखा होगा उस पॉइंट पे डॉट बना दे पेंसिल से, प्रोटेक्टर हटा के इस पॉइंट को कनेक्ट कर दे दोनों को, तो हमको रे मिलेगा 25 डिग्री एंगल बनाता हुआ। हमको चाहिए साइन ऑफ 25 डिग्री का वैल्यू, तो उसका मतलब होता है कि आप 25 डिग्री एंगल वाला दो लाइन बना लीजिए, और इस लाइन पे किसी भी एक पॉइंट से कोई भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए दूसरे वाले, आप स्केल लीजिए और नापिए ये कितना सेंटीमीटर है, और नापिए ये कितना सेंटीमीटर है, और डिवाइड कर दीजिए। आप अगर दूसरा कोई लाइन ड्रॉ किए होते परपेंडिकुलर, तो ये लंबाई नापिए और ये लंबाई से डिवाइड कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। सो साइन ऑफ 25 डिग्री इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ 30 डिग्री चाहिए, सेम चीज, हम 30 डिग्री एंगल पे दो रे बनाएंगे, कहीं से भी परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस बाय दिस का रेशियो चाहिए। आप एक्चुअली में करके देखिए साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर लंबा बनाते हैं, अब यहां से वहां जब मेजर कीजिएगा तो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर आता है, 30 डिग्री के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा यही आता है। यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर पूछते हैं तो आंसर 5 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर यानी हाफ रेशियो आएगा, दिस बाय दिस का रेशियो एग्जैक्टली हाफ होगा। आपको अगर और 10-15 बना बना के चेक करना है तो कर लीजिए, अगर यहां पे हाइट 10 सेंटीमीटर लंबा है ये परपेंडिकुलर, तो ये निश्चित रूप से 20 सेंटीमीटर लंबा होगा, यानी अनुपात फिर भी वही आएगा। सो साइन ऑफ एन एंगल इज नथिंग बट अ रेशियो। यहां पे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग डिफाइन किए थे, एक साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक कॉस ऑफ एन एंगल और एक टैन रेशियो ऑफ एन एंगल। दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड दिस बाय दिस, तीन रेशियो को हम लोग डिफाइन किए थे। अगर आप हमसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और टैन 30 डिग्री का वैल्यू पूछिएगा, तो हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब स्केल लेके हम ये लंबाई और ये लंबाई नाप लेंगे, यद्यपि कि हमको तीनों नापने का जरूरत नहीं है। अगर हम ये लंबाई नाप चुके हैं, ये लंबाई नाप चुके हैं,
तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको एग्जैक्टली पता है कि ये लंबाई कितना होगा, रूट अंडर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग को पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमको दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इतना के बराबर होगा। अगर हम इसको एक्स कहें तो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और एक्स का वैल्यू इतना के बराबर होगा। तो थर्ड साइड की लंबाई को मेजर करने का जरूरत नहीं है, फिर भी मेजर करके चेक भी कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम ट्रू है कि फॉल्स है, चेक कर सकते। अब हम साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री और टैन 30 डिग्री का वैल्यू पूछें तो ये लंबाई बटे ये लंबाई बटे बेस बटे हाइपोटेन्यूज की। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप 5 सेंटीमीटर लंबा बनाए, ये समझ गए ना हम सब, हम कहीं पे भी खींच लीजिए यही मेजर कीजिए। मे बी ये हो सकता है 7.5 सेंटीमीटर हो। अब आप इसको मेजर करके देखिए तो ये एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर आएगा और ये लेंथ रूट अंडर 15 स्क्वायर माइनस 7.5 स्क्वायर आएगा। और फिर वो विद्यार्थी जब साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू निकालेगा तो उसको भी वही जवाब आएगा जो हमको आएगा। और ये तीनों आपस में संबंधित है, इंडिपेंडेंट नहीं है दूसरे से। आप किसी भी एक एंगल का साइन रेशियो अगर बता दिए तो हम कॉस रेशियो और टैन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, एक से बाकी दोनों ये दे दीजिएगा तो बाकी दोनों बता देंगे। कैसे देखें जरा, हम लोग इस बात को याद है कि नहीं, हम लोग को इन तीनों रेशियो में एक संबंध है। हम लोग के पास एक आइडेंटिटी है जो 10वां क्लास में हम सीखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू इक्वल टू हमेशा 1 होगा किसी भी ट्रायंगल का। साइन रेशियो निकालिए और कॉस रेशियो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, हमेशा 1 आएगा। और प्रूफ, इसमें क्या प्रूफ करना है, जब साइन रेशियो का डेफिनेशन ये है और कॉस रेशियो का डेफिनेशन ये है तो दोनों को स्क्वायर करके देखिए पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर और बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ऐसे ही प्रूफ करते हैं ना, वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी गो ऑन सिंप्लीफाइंग अंटिल वी रीच द राइट हैंड साइड। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एच स्क्वायर कॉमन लेकर के न्यूमरेटर में ऐसा लिख दिए। और पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हेंस द रिजल्ट। अब ये आइडेंटिटी इक्वल टू आरएचएस, क्यूईडी, क्यूईडी माने क्वाडा एड डेमोन्स्ट्रेटर, यानी हेंस प्रूफ्ड। इसके अनुसार अगर हमको साइन रेशियो पता हो, जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू पता है हाफ, तो जरा कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो इस रिलेशन के अनुसार कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू देयरफॉर प्लस माइनस इतना। तो हम इसी रिजल्ट को इस रूप में लिख सकते हैं। अभी यहां पे तो हम, मेरे लिए माइनस साइन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि अभी जो हम डिफाइन किए हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, दे आर जस्ट पॉजिटिव नंबर्स। अब हमको साइन थीटा का वैल्यू बता दीजिएगा तो हम कॉस थीटा बता देंगे। जैसे हमको 30 डिग्री का एक टेबल बना रहे हैं, ये एंगल है और ये उसका डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज है, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ हम 30 डिग्री लिखे हैं और तीन रेशियो चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा, एक टेबल बना रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम इस एंगल का कोई एक भी बता देंगे तो आप बाकी दोनों बता देंगे। 30 डिग्री के साथ हम एक्सपेरिमेंट किए और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम मेजर करके वर्कशॉप में और हम खोज के लाए, हाँ परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज का अनुपात 1/2 मिलता है। अब बताइए कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू और टैन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो रूट अंडर 1 माइनस 1/4 ए आंसर। 1 माइनस 1/4 का वैल्यू 3/4, स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ऊपर में रूट 3 और नीचे में 2,
यह है cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री अब कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको ध्यान से देखिए, तो sin थीटा बटे cos थीटा इज tan थीटा, tan रेशियो जो है वो sin बटे cos के बराबर है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू बताने के लिए सिर्फ दिस बटे दिस कर देंगे तो आंसर आएगा 1/√3। इसी को हम थ्रू आउट अगर डिवाइड कर दें cos स्क्वायर थीटा से थ्रू आउट, तो यहां हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। हम लोग उस क्वांटिटी को एक नाम दिए हैं sec स्क्वायर थीटा, यानी 1/cos थीटा को हम लोग sec थीटा के नाम से संबोधित करते हैं, यानी sec थीटा का मतलब पूछे कभी sec 30 डिग्री या sec कोई एंगल, तो hypotenuse बटे बेस का वैल्यू पूछ रहे हैं। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का reciprocals भी हम लोग डिफाइन किए थे, 1/cos थीटा को sec थीटा के नाम से पुकारेंगे और 1/sin थीटा को cosec थीटा के नाम से पुकारेंगे और 1/tan थीटा को cot थीटा नाम से पुकारेंगे। यानी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए और उन तीनों का reciprocals भी डिफाइन किए। अब अगर हम कभी पूछें cosec of 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप समझिएगा कि हम 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहे हैं, और अगर sin 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है हाफ, तो reciprocal of हाफ यानी जवाब आप 2 देंगे। तो इसी आइडेंटिटी को हम इस रूप में लिख लिए, सेम आइडेंटिटी, यानी कोई नया आइडेंटिटी नहीं है, और सच पूछिए तो ये भी कौन नया है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वही तो है, उसी का शक्ल खाली बदला हुआ, जो पाइथागोरस थ्योरम है वही है, जो ये है वही है। अगर इसी को हम थ्रू आउट साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते, 1 cos बटे साइन का को cot बोलेंगे, तो 1 cot स्क्वायर थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा, इतना आइडेंटिटीज हम लोग सीखे थे क्लास 10th में। साइन कोई एंगल है थीटा जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रेशियो हम बता दिए हैं 5/7, कौन एंगल है आई डोंट नो, कोई एंगल है जिसका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज का रेशियो 5/7 अनुपात में है। यहां जो स्टेटमेंट दिए हैं वो स्टेटमेंट देखते ही आपके दिमाग में ये चित्र आना चाहिए, दिस मींस दिस। अब हम आपसे पूछ सकते हैं इस एंगल का cos थीटा tan थीटा cosec sec cosec थीटा sec थीटा cot थीटा सब रेशियो बता दीजिए, सब बता देंगे, यहीं से देखिए। अगर ये 5 और ये 7 है, ये 5 माने 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर या 5 मिलीमीटर, ये अनुपात है 7:5, यानी कि ये लंबाई अगर मान ले 5 टाइम्स a है तो ये लंबाई 7 टाइम्स a है, इतना ही मतलब है इसका। तो ये लंबाई कितना होगा, रूट अंडर 49a² - 25a² यानी स्क्वायर रूट ऑफ 24a² विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 24 टाइम्स a। इसको हम लोग 6×4 लिख सकते हैं 24 को, 4 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट 24 को 2√6 लिख सकते हैं। ये a नंबर महत्वहीन है, ए लिखना जरूरी नहीं था यहां, क्योंकि हमको चाहिए अनुपात, जैसे cos थीटा चाहिए तो हमको बेस बट हाइपोटेन्यूज चाहिए, ए इन एनी केस कट जाएगा। तो जैसे ही आप ऐसा बोलिएगा हम इमेजिन कर लेंगे 5, 7 और ये कैलकुलेट कर लेंगे, और अब आप पूछते चलिए जो पूछना है कुछ cos थीटा tan थीटा cos सब बता दें। जिस एंगल का साइन रेशियो है 5/7 उस एंगल का कॉस रेशियो होगा 2√6/7 पक्का। अब हम उस आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते थे
तेज बाबा था। फिर टेन थीटा निकालने के लिए दिस बटे दिस कर सकते थे, फिर कोसेक थीटा के लिए इस नंबर का उलट के लिख सकते थे, फिर सेक थीटा के लिए इस नंबर को उलट के। लेकिन अगर आप इस बात से ये निष्कर्ष निकाल लें और केवल तीसरे साइड दो तो दे दिए ना, तीसरे का निकाल लीजिए, अब आपको किसी भी रेशियो का वैल्यू यहां दिख रहा है। यू डू नॉट नीड द आइडेंटिटीज नाउ। एक आखिरी एग्जांपल देखिए, हम सेक थीटा, कोई एंगल है थीटा, उसका सेक दे रहे हैं 13/8 और आपको बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है, साइन कॉस टेन कोसेक एंड कॉट। तो दिस स्टेटमेंट मींस कॉस थीटा 8/13। हम पहला स्टेटमेंट यही करेंगे। अब हम अगर इस एंगल को थीटा कहें, बेस बटे हाइपोटेन्यूज का रेशियो दिया है, अब ये लंबाई निकाल देंगे रूट 13 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, विच इज 13 माइनस 8 इंटू 13 प्लस 8, ये 5 × 21। अब ये सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कीजिएगा तो सब सिंगल सिंगल प्राइम नंबर्स आएगा, 7² 3² ये सब नहीं आ रहा है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 105। अब हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता देंगे, ये सब आप सीखे हैं क्लास 10th में। देखिए, एक डंडा है जो हम रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे गोल गोल डंडा इस पोजीशन से नचता जा रहा है, एक एंड डंडे का फिक्स है, दूसरा एंड मूव कर रहा है। डंडा मान लीजिए इस पोजीशन से मूव करके वो इस पोजीशन पे आया है, तो कितना एंगल से रोटेट किया है हम एंगल को डिफाइन करने जा रहे हैं। अब तक एंगल का डेफिनेशन था एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 बोल देंगे, और ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का कैवा हिस्सा है, अगर मालूम हो जाए कि ये यहां से वहां तक पूरे एक गोल चक्कर का 10वां हिस्सा है, तो आप इस एंगल को बोलेंगे 1/10 of 360 degree, यानी 36 degree बोल देंगे। अगर यहां से वहां तक का जो दूरी है अगर हम थोड़ा और कम नचाएं, कहें कि अब कितना एंगल है यहां, तो ये अगर इस पूरे का कैवा हिस्सा है, अगर वो 20th हिस्सा है, तो आप ये एंगल को बोलेंगे 1/20 of 360 degree, यानी 18 डिग्री बोल देंगे। अब तक यही सीखे थे, लेकिन अब हम लोग कोई और नया चीज सीखने जा रहे हैं। तो ये डंडा को का जो ये टिप है, ये पॉइंट यहां से मूव करते करते इस जगह को पहुंच गया है, ये एक कर्व्ड पाथ में मूव किया है, स्ट्रेट लाइन में नहीं गया है, ये वाला डंडा का ये टिप। इनफैक्ट डंडा पे थोड़े थोड़े दूर पे अगर हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर दें, A1, A2 और A3, तो ये वाला पार्टिक पॉइंट, इसके पाथ को देखिएगा, थोड़ी देर बाद आपको ये दिखेगा यहां से यहां, फिर यहां, जैसे जैसे डंडा नचेगा ये पॉइंट यहां 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 यहां, और उसको स्मूथली ज्वाइन कीजिए, तो आपको A1 पॉइंट यहां से चल के यहां पहुंच गया है B1 पॉइंट तक, ट्रेवलिंग थ्रू एन आर्क बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं, आर्क। ये पॉइंट भी एक दूसरे आर्क में ट्रेवल करके अब यहां पहुंच चुका है, ये पॉइंट लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है अगर उसको हम मेजर कर पाते, इस लेंथ इसको कैसे मेजर करेंगे, सीधा होता तब तो एक स्केल लेते रख के उस पर मार्किंग होता है मेजर करें, इसको कैसे मेजर करेंगे, एक धागा ले लेते हैं, धागा धागा को इसी कर्व के अलोंग पहले सरियाते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा मेहनत करके सरिया लिए और उसके बाद धागा को सीधा कर दिए, एक स्केल के बगल में रख के नाप लिए, तो मालूम हो गया कि कितना लेंथ है। दिस इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ये वाला पार्टिकल यहां से यहां गया है इतना डिस्टेंस, उससे अधिक है ये डिस्टेंस, उससे कम है, उससे कम है, इस सेंटर के निकट जितना निकट होगा पार्टिकल वो उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आज उतना दूर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब जो एंगल कवर किया है सेम है। चीटी एक सर्कल में कल्पना कीजिए, एक चीटी यहां से इस सर्कल को बनाइए, यहां पे एक चीटी और इस सर्कल पे एक चीटी, तीनों एक साथ खड़ा है एक लाइन में,
इसको रेडियल बोलते हैं, वन रेडियन, एक सिंगल रेडियल लाइन पे खड़ा है। तो अगर ये चींटी जब यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा उतने ही देर में, और ये यहां पहुंचा, तीनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पूछेंगे, यानी कि अपने ओरिजिनल स्थान से कितना एंगल पे वो पाया जाएगा। तो तीनों का जवाब सेम है, द एंगल इज सेम, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया है। अगर इस चित्र को देखिए, ये वाला चित्र, और अगर आप इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखिए, ये सब सिमिलर चित्र है, ट्रायंगल्स नहीं है। ये वाला जो चित्र है ना, ये सबसे छोटा वाला, ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल होता ऐसा स्ट्रेट लाइन से तीनों साइड को जोड़ देते। इनफैक्ट ये एंगल 90 डिग्री है। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक रेडियल खींचें, यानी अ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द सेंटर, तो वहां पर जो कर्व का जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है हर जगह। द रेडियल्स विल मेक 90 डिग्री विद द कर्व। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एंड दिस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। एंगल्स 180 होता है ट्रायंगल के लिए। अगर यहां स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होगा। तो ये वाला जो चित्र है, इसको हम एक सेक्टर नाम देंगे। इसको बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो यहां एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, ये तीनों सेक्टर सिमिलर है क्योंकि एंगल्स आर सेम। ये एंगल तो सब में कॉमन है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। सो दीज थ्री ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि अनुपात सेम होगा पक्का। दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस। मैंने एक्चुअली में अगर आप एक मेजरमेंट्स करें, ये लंबाई तो स्केल से नाप लेंगे, ये लंबाई नापने के लिए वही धागा रखना होगा इसके अलोंग सजा के, और फिर उसको सीधा तान के मेजर करना होगा कितना सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को अगर हम S1 कहें, आर्क लेंथ को, और ये दूरी को R1 कहें, इस लेंथ को S2 कहें, ये वाला पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वो पार्टिकल जिस सर्कल के रेडियस में मूव किया होगा उस सर्कल के रेडियस को R2 कहें, ये पार्टिकल डिस्टेंस S3 ट्रेवल किया है और वो जिस सर्कल के रेडियस में मूव कर रहा है उसको R3 कहें। तो S1 by R1 will be equal to S2 by R2 will be equal to S3 by, इसी को हम कहेंगे एंगल, इसी रेशियो को डिफाइन करेंगे एज एंगल। ये सेंटीमीटर्स में है और ये सेंटीमीटर्स में है, दोनों कट जाएगा और आपको एक रेशियो आएगा। तो अब आज के बाद यही रहेगा, दो लाइंस के बीच का एंगल को इस तरह से दिखाते हैं, एंड हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो इस लाइन और इस लाइन कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जरूरी कि वहां लीजिए, कहीं भी एक आर्क से ज्वाइन कीजिए, यानी इतना ही रेडियस का एक सर्कल कल्पना कीजिए, और ये लेंथ को अगर S कहें और इस दूरी को R, तो S बाई R का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा एंगल। और ये एक डायमेंशनलेस नंबर है, सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर डिवाइड कर लीजिए, सेंटीमीटर कट जाएगा नंबर। जरा देखें हम लोग इस बात को समझे हैं कि नहीं। एक गोल चक्कर नचेंगे तो कितना एंगल होगा, इस डेफिनेशन के अनुसार देखें, हैव वी अंडरस्टूड एंगल। कल्पना कीजिए कि हम एक पार्टिकल है जो इस स्थान से चलते 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 कोई रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, और चलते 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 एक गोल चक्कर घूम गया, तो कितना एंगल से वो रोटेट किया। तो डेफिनेशन के अनुसार आपको ये सर्कमफेरेंस का लेंथ मेजर करना होगा, जिसको S बोलते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग द कर्व्ड पाथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। क्योंकि अगर दूसरा कोई पार्टिकल, तो वो कितना होगा, अगर R रेडियस के सर्कल में कोई मूव करता है तो सर्कमफेरेंस का लेंथ हम लोग जानते हैं, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.28, ये 2 टाइम्स पाई, पाई का वैल्यू 3.14 है, 2 टाइम्स 3.14 इज 6.28।
तो आप इस रेडियस को गुना कर दीजिए 6.28 से, तो आपको निकल जाएगा सर्कमफेरेंस का लेंथ। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी हम एक छोटा सा सर्कल बनाएं से 2 सेंटीमीटर रेडियस का, या बड़ा सा सर्कल बनाएं से 7 सेंटीमीटर रेडियस का, या और बड़ा सर्कल बनाएं से 13 सेंटीमीटर रेडियस का, आप पूछें कि इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ कितना है, तो आप तुरंत बता देंगे 2 सेंटीमीटर को गुना कर देंगे 6.28 से, बस इतना ही होगा पक्का। आप इसके अलोंग एक धागा को सजा सजा के रखिए और फिर उसको सीधा करके नापिए, एग्जैक्टली इतना ही आएगा, 13.56 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसका लेंथ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर को 6.28 से गुना कर दीजिए, उतना ही होगा। यही तो लिखे हैं, अगर आर रेडियस के सर्कल में कोई पार्टिकल घुमा है, एक गोल चक्कर घुमा है, तो वो निश्चित रूप से इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2πr, और 2πr को डिवाइड कर दीजिए r से, जो संख्या मिलेगा उसी को कहते हैं एंगल। यानी आप कहेंगे कि पार्टिकल इतना एंगल रोटेट से रोटेट किया है, यानी 6.28 एंगल से रोटेट किया है, डिग्री मत बोलिएगा, 6.28 बस नंबर बोलिएगा। अगर एक कंप्लीट सर्कल में चाहे किसी रेडियस, अगर कोई बड़े रेडियस में मूव किया होता आर ब्राइन और एक कंप्लीट चक्कर घूम के लौट आया है, कितना एंगल से नचा है, कोई आर ब्राइन रेडियस के सर्कल में घूमेगा तो वो लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr आर ब्राइन, लेकिन डिवाइड कर दीजिए आर ब्राइन से तो फिर आ जाएगा 2πr। तो एक गोल चक्कर आज के बाद कोई घूमेगा, हम खड़े हैं और इस अवस्था में खड़े हैं, आप गोल घूम के फिर वापस इस दिशा में मुंह अपना कर लें, तो आपसे हम पूछेंगे कितना एंगल से रोटेट किए हैं, तो यू से 6.28 से, इनफैक्ट 6.28 नहीं बोलेंगे आप, हमेशा 2πr बोलेंगे। अब अगर कोई कहे कि इस अवस्था से चलते चलते कोई डायमेट्रिकली अपोजिट स्थान पर जाकर के रुक गया है, तो कितना एंगल से रोटेट किया है, इस बात को कोई मतलब नहीं है कि वो छोटे सर्कल पे मूव किया है कि बड़े सर्कल पे कि बहुत बड़े सर्कल पे, एंगल्स सबका सेम आना चाहिए। तो कोई आर रेडियस के सर्कल में अगर मूव किया है डायमेट्रिकली अपोजिट, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम लोग जानते हैं, केवल रेडियस को एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट से गुना करना पड़ता है पाई से। अब एंगल पूछेंगे तो दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर, यानी पाई बोलेंगे आप, एक गोल चक्कर को बोलेंगे 2πr, आधा गोल चक्कर को पाई, और आधा का आधा अगर कोई इस स्थान से चलते चलते इस स्थान पर पहुंचा है जिसको पहले हम 90 डिग्री बोला करते थे, तो उसको क्या बोलेंगे, तो अगर कोई यहां तक चल के आया है तो टोटल डिस्टेंस 2πr होता है, आधा डिस्टेंस πr होता है, और आधा का आधा πr बाई 2 होता है। r को अब इसको r से डिवाइड कर दीजिए तो इस एंगल को पाई बाई 2 बोलेंगे। 2πr के आगे एक शब्द हम लोग सोचे हैं कि अटैच कर देते हैं, रेडियन। इस शब्द का सिर्फ इतना मतलब है कि बार बार याद दिलाते रहें आपको कि ये जो नंबर बोला गया है ये उस डेफिनेशन से कैलकुलेट करके एंगल लाया गया है। यानी एंगल जब आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो उस एंगल को कहते हैं रेडियंस। यानी हम एक गोल चक्कर अगर घूम जाए, पूछें कितना एंगल से रोटेट किए हैं, आप बोलेंगे 2πr रेडियन से रोटेट किए हैं। यानी अब हमारा जो नया डेफिनेशन हो गया एंगल का, उसके अनुसार जिसको कि पहले 360 डिग्री बोला करते थे उसी को अब आज के बाद 2πr रेडियन बोलेंगे। अब हम 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। यानी इस सर्कुलर स्केल पे अब जो नंबर्स हम मार्क करेंगे एंगल को, किस प्रकार इस स्थान को अगर हम 0 रेडियन बोल रहे हैं तो इस स्थान को बोलेंगे पाई, यानी कि 3.14 यहां पे लिखेंगे 3.14, मतलब कि यहां से वहां तक का जो दूरी है, जो भी सर्कल बनाए हो हम, अगर एक्चुअली में इस वक्त हम नाप लें इस लंबाई को
और उसको डिवाइड कर दें इस सर्कल के रेडियस से, तो इतना ही संख्या आएगा 3.14। अगर कोई छोटा सर्कल बनाया हो वो भी यहाँ 0 लिखेगा, यहाँ 3.14 लिखेगा। वो भी अगर इस लंबाई को नापता है और रेडियस ऑफ द सर्कल से डिवाइड करता है तो उसको भी 3.14 ही मिलेगा। तो हम इस स्थान को लिखेंगे 3.14, नहीं लिखेंगे, विल ऑलवेज मेंशन पाई। इस स्थान को 2π भी लिख सकते हैं, हाँ एक बार घूम के अगर आ गया तो वही स्थान अब 2π हो गया। इस स्थान को π/2 लिखेंगे, पाई का आधा। इस स्थान को π/2, 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 3π/2 लिखेंगे इसके लिए। यहां पे अगर ठीक इन दोनों के बीचों बीच एंगुलर बाइसेक्टर को π/4 लिखेंगे, मतलब एक्चुअली में इस डिस्टेंस को हम अभी नापें, अगर ये सर्कल है सच में नापें और इस लंबाई को नापें तो दिस लंबाई बटे दिस लंबाई का वैल्यू आएगा 3.14/4 के बराबर आना ही है, इसीलिए हम लिखे। अगर जिसको हम 45 डिग्री बोलते थे और इस आधा का आधा जिसको हम π/8 बोलेंगे, जिसको कि 22.5 डिग्री बोलते थे, 45 डिग्री का आधा इस 22.5, अब हम उसको रेडियन में ऐसे बोलेंगे। 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, 30 डिग्री को, 30 डिग्री क्या था, ये 90 था तो उसका एक तिहाई वॉज 30, तो अब π/2 का एक तिहाई π/6, जिसको 30 डिग्री बोलते थे अब उसको π/6 बोलेंगे। और 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, 30+30 यानी इसको दुगना कर दीजिए, 2 × π/6 यानी π/3 बोलेंगे। 60 डिग्री है जो कि 180 का एक तिहाई, 180 डिग्री मीन्स पाई। तो 120 डिग्री को एक्सप्रेस करना हो रेडियन में तो कैसे करेंगे, तो हम π/180 डिग्री गुना करेंगे 120 से, डिग्री डिग्री कट जाएगा, डिग्री एक शब्द है कट जाएगा और ये 2π/3 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे वर्षा अगर हम रेडियन को डिग्री में कहें कि कन्वर्ट कीजिए, 3π/4 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो अगर पाई रेडियन बराबर पता है 180 डिग्री तो 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री, ये करीब 57.3 डिग्री होता है। यहाँ पे कहीं लिखा है ये संख्या है 3.14/3 है ये, माने एक्चुअली मैं भूल न जाए सब कोई, यहाँ पे हम नंबर्स मार्क करेंगे, देखिए कैसा नंबर्स मार्क करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3.14, यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3, 1 रेडियन है ये, एंगल बता रहे हैं इन रेडियन, तो 1 रेडियन माने कितना डिग्री, ये पूरा गोल चक्कर घूम जाइएगा ना, तो 6 लिखेंगे यहां पे, कहेंगे कि 6 रेडियन से आप घूम गए हैं, यहां तक पहुंच जाइएगा तो 6.28 बोलेंगे। तो 1 रेडियन इज अ लार्ज एंगल, 1 रेडियन इज हाउ मच, तो 180 डिग्री को 3.14 से डिवाइड कर दीजिए, तो 180/3 60 होता है, 180/3.14 है तो ये संख्या 60 से थोड़ा कम है, करीब 57.3 डिग्री है। सो 1 रेडियन इज एक्चुअली 57.3 डिग्रीज। तो अगर हम कभी कन्वर्ट करने बोले कि 3π/4 रेडियन माने कितना डिग्रीज, तो चूंकि पाई रेडियन का मतलब इतना है तो 1 रेडियन का मतलब 180/π होगा, इतना का मतलब 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई इनटू 3π/4 रेडियन, रेडियन कट जाएगा और डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 135 डिग्रीज 3π/4। पर ये सब काफी बचकाना बात है जो हम कर रहे हैं, होशियार बात ये है कि 3π/4 को फील करना शुरू कीजिए तभी मानेंगे कि आप एंगल सीख गए। चलिए फील कराते हैं, 3π/4 यानी π/4
अब पाई बाई फोर तो आप फील कर गए, पाई का आधा को पाई बाई टू बोलते हैं और आधा के आधा को पाई बाई फोर बोलते हैं। तो थ्री पाई बाई फोर का मतलब पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर प्लस अनदर पाई बाई फोर, सो 45 प्लस 45 प्लस अनदर 45, 90 प्लस 45, 135 डिग्री। अगर हम कहें कि 2 पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री का मतलब पहले फील कर जाइए 1/3 ऑफ पाई यानी 60 डिग्री, और 2 पाई बाई थ्री मतलब 60 प्लस 60, 120 डिग्री हम बोलने के बजाय यहां पे 2 पाई बाई थ्री लिखा होगा। इस दिशा में मूव करने को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हम मूव करने को पॉजिटिव बोलेंगे और क्लॉकवाइज दिशा में मूव करने को नेगेटिव बोलेंगे। एक पार्टिकल अगर यहां से चलना शुरू किया और घूमते 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 डिफरेंट डिफरेंट नंबर से क्रॉस कर रहा है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, 6.28 रेडियन, फिर दूसरा गोल चक्कर घूम करके आ गया, तो अब कहेंगे यानी यहां पे जो नंबर दिख रहा है 0, ये सर्कुलर स्केल लीनियर स्केल जो था उसमें 1, 2, 3, 4 -1, -2, इसी को ना अब हम गोल घुमा दिए हैं, ऐसे ऐसे करके गोल घुमाए हैं स्केल को। लेकिन दिक्कत यह है कि जब गोल घुमाइएगा तो वो गोल पे जो नंबर्स है वो 6.28 पे जाके रुकता है, लेकिन अगर पार्टिकल यहां से घूम के और आगे चला गया तो हम अब कितना एंगल कहेंगे कि वो घूम के आया है। जैसे यहां से चला कोई घूमते 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 एक सर्कल हो गया यानी 2 पाई डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, अपने स्थान से घसकने को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब फर्दर और 90 डिग्री ट्रेवल कर गया तो हम पूछिएगा कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम यहीं पे नंबर देखेंगे बताएंगे, लेकिन यहां तो लिखा है पाई बाई टू तो हम पाई बाई टू बोलेंगे तो गलत जवाब होगा, क्योंकि वो तो एक गोल चक्कर घूम के तब और इतना घूमा था, यानी पाई बाई टू 2 पाई प्लस पाई बाई टू यानी कि 5 पाई बाई टू बोलना होगा, यानी यहां जो नंबर है वो खाली पाई बाई टू नहीं लिखा हुआ है, पाई बाई टू प्लस 2 पाई भी वहीं पे लिखा हुआ है, अब प्लस अनदर 2 पाई हम ऐड कर रहे हैं, 9 पाई बाई टू भी वहीं पे लिखा है, यहां लिखा है 3 पाई बाई टू नहीं, यहां बहुत सारा नंबर लिखा है, क्योंकि ये गोल गोल नंबर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, जैसे लीनियर स्केल पे बढ़ते जाता है नंबर, जब आप इस दिशा में जाएंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा, इस पे जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो जहां कहीं पे भी आपको पाई बाय 6 लिखा हुआ दिख रहा है व्हिच इज 30 डिग्री, 1/6 of 180 डिग्री, 30 डिग्री, तो एक्चुअली में वहां पे आपको समझना है पाई बाई सिक्स प्लस 2 पाई भी लिखा है वहीं पे, क्योंकि अगर इसी स्थान पे कोई एक गोल चक्कर घूम के लौटेगा तब उस स्थान पे हम क्या बोलेंगे, कितना नच चुका है वो अपने ओरिजिनल स्थान से, कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, तो इसी स्थान पे पाई बाई सिक्स प्लस 2 पाई भी लिखा है। असल में ये वाला जो स्केल है ना सीधा रखा है, पर इसी को गोल घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के रखा गया है यहाँ पे, और इसको भी गोल घुमा घुमा के रखा है, इसको खोल देंगे ना तो सीधा हो जाएगा, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, उन्हीं को ऐसे गोल घुमा घुमा के हम रखे हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं इस तरफ नहीं, हर जगह नंबर्स को देखिए पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यहां जो नंबर लिखा है वो पाई बाई सिक्स, एक नंबर है जो लिखा हुआ दिख रहा है उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं, उस स्थान को रिप्रेजेंट करेंगे हम अगर एक नंबर से, तो एक प्रिंसिपल वैल्यू है पाई बाई सिक्स, जबकि एक्चुअली में वही स्थान का रिप्रेजेंटेशन पाई बाई सिक्स प्लस 2 पाई भी है, पाई बाई सिक्स प्लस 4 पाई भी वही है, यानी कि अगर कोई पार्टिकल कहे कि इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से चलते चलते वो यहां चला गया है, तो उसका मतलब है कि वो यहां पे आपको दिखेगा, पाई बाई सिक्स प्लस 6 पाई, यानी कि हम इसी नंबर में अगर ऐड कर दें मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो ये स्थान पूछेंगे कौन सा एंगुलर पोजीशन है,
हम लोग हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू बता देते हैं पाई बाई सिक्स, बट एक्चुअली कभी नहीं भूलते हैं कि वो स्थान को रिप्रेजेंट करने वाला अनगिनत नंबर है जो दिख नहीं रहा है। स्केल घूम घूम के रखा हुआ, यहां दिखता है क्योंकि सीधा रखा है। अभी समाप्त नहीं हुआ है बात। अगर पार्टिकल पहले यहां चला गया पाई बाई सिक्स और अब वहां से विपरीत दिशा में लौटा एक गोलचक्कर तक वहीं पहुंच गया, तो अब हम क्या बोलेंगे पार्टिकल किस स्थान पे है? तो एक्चुअली जब पार्टिकल इधर मूव करता है तो उसको बोलते हैं प्लस पाई बाई सिक्स एंगल से मूव किया है, और जब विपरीत दिशा में मूव करता है तो बोलते हैं माइनस पाई बाई सिक्स दिशा में मूव किया है, नेगेटिव क्लॉकवाइज दिशा में। तो वो इधर गया है पाई बाई सिक्स और टू पाई क्लॉकवाइज दिशा में मूव किया है, तो अब कहां पहुंचा? तो जैसे यहां पे बोलते कि कोई पार्टिकल ओरिजिन से टू यूनिट्स मूव किया है इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, वहां के बाद कहते कि सेवन यूनिट्स मूव किया है डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, आप पूछते कि पार्टिकल अब कहां है, तो आप टू में एड करते माइनस सेवन और समझ जाते कि यहां है। बिल्कुल वही मैकेनिज्म यहां भी फॉलो करेंगे। अगर आपसे कहें कि पार्टिकल यहां से पहले मूव किया है पाई बाई सिक्स एंगल इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, माने एंटी क्लॉकवाइज, अब वहां से मूव किया है टू पाई रेडियंस इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा यानी क्लॉकवाइज। तो बताइए जिस स्थान पर भी पहुंचा उस स्थान का नंबर क्या है? तो आप पाई बाई सिक्स पहले पहुंच गए प्लस ओरिजिन से, अब फिर माइनस टू पाई बाई टू पाई उसमें एड करेंगे, यहां गए और एक गोल चुके, आप इसी स्थान पे आए हैं, लेकिन अब हम आपका पोजीशन बताने वाला जो नंबर होगा वो हम पाई बाई सिक्स नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे। जैसे आप कहते कि यहां से कोई पाई बाई सिक्स पोजीशन पे गया है, अब वहां से फर्दर टू पाई एंगल और मूव किया है इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो बताइए जिस स्थान पे पहुंचा उसका नंबर क्या है? तो आप नहीं बोलेंगे पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स प्लस टू पाई भले वहीं दिखेगा, यही स्थान का देयरफॉर बहुत सारा नंबर से इस स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां बहुत सारा नंबर्स है इसके स्केल पे लिखा हुआ, कौन कौन नंबर्स है? ये नंबर भी है पाई बाई सिक्स माइनस टू पाई, पाई बाई सिक्स प्लस माइनस टू पाई, पाई बाई सिक्स माइनस फोर पाई भी वही है, पाई बाई सिक्स एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, अब विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज सेंस में टू पाई फोर पाई, तो ये स्थान पाई बाई सिक्स प्लस टू एन पाई टाइप का जितना भी नंबर्स है सब यहां लिखा है। लिखते नहीं है, लिखते तो सिर्फ एक वैल्यू है प्रिंसिपल, लेकिन भूलते नहीं है कि वो स्थान कोई एक नंबर से रिप्रेजेंट नहीं होता है। जैसे इस पे यहां पे हम कलम रख दें तो पूछें कि इस स्थान को रिप्रेजेंट कीजिए बाय ये नंबर, तो सब कोई एक ही आंसर देगा थ्री, लेकिन सर्कुलर स्केल में हर स्थान कई नंबर से रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे इस स्थान का रिप्रेजेंटेशन है पाई बाई सिक्स प्लस टू एन पाई, वे एन कैन टेक जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू मल्टीपल्स ऑफ टू पाई बोलते हैं, जिसको टू एन पाई लिखे। तो यही स्थान पाई बाई सिक्स भी है, यही स्थान पाई बाई सिक्स प्लस टू पाई भी है, यही स्थान पाई बाई सिक्स प्लस फोर पाई, पाई बाई सिक्स प्लस सिक्स पाई, पाई बाई सिक्स माइनस टू पाई, पाई बाई सिक्स माइनस फोर पाई, पाई बाई सिक्स माइनस एट्टी पाई मल्टीपल्स ऑफ टू पाई, उसमें जोड़िए और घटाइए। जैसे ये स्थान पे लिखे जीरो है, पर यहां पे कौन कौन नंबर से यही स्थान रिप्रेजेंट होता है उसमें प्लस मल्टीपल्स ऑफ टू पाई कर दीजिए, यानी ये स्थान जीरो भी है, टू पाई भी यही स्थान है, फोर पाई भी यही स्थान है, सिक्स पाई भी, माइनस टू पाई, माइनस फोर पाई, सब यही स्थान है। ये स्थान को प्रिंसिपल वैल्यू पाई है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन इसमें ऐड कर दीजिए मल्टीपल्स ऑफ टू पाई, यानी कि टू एन प्लस वन पाई ये स्थान है, यानी एन की जगह जीरो डालिएगा तो पाई, वन डालिएगा तो थ्री पाई, यही पाई भी है और यही थ्री पाई भी है,
यही 5 pi भी है, 7 pi, 9 pi, यही -pi भी है, यही -3 pi है। अगर आप इस दिशा में मूव करें, यहां से चलते चलते यहां आए, फिर यहां आ गए एक गोल चक्कर, तो अब आप कितना एंगुलर पोजिशन पे आप हैं, तो बोलेंगे -3 pi। यहां माइनस बोल के हम बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि पार्टिकल किस तरफ से मूव करता हुआ वहां पहुंचा है और कई बार घूम करके वहां पहुंचा है। अगर -51 pi बोले, यानी 25 -51 pi, यही स्थान है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई यही स्थान है, एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन नंबर ये स्थान है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई ये स्थान है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई ये, जैसे ही बोलेंगे -51 pi, हम समझ जाएंगे कि हम इस स्थान का बात कर रहे हैं, पर इसको हम -50 pi, 50 pi प्लस पाई ऐसे लिखें। 50 pi माने 25 गोल चक्कर घुमा होगा कोई नेगेटिव डायरेक्शन में, 25 गोल चक्कर घुमा होगा यहां से चलते हुए, 1, 2, 3, 4, 25 गोल चक्कर घुमा होगा, यही बताए हैं, बिकॉज दिस इज 25 times -2 pi, 25 गोल चक्कर इन द क्लॉकवाइज सेंस, एंड फर्दर फॉलोड बाय अनदर 25 गोल चक्कर यहां से चलेगा तो यहीं पहुंच जाएगा, फिर यहीं, फिर यहीं, फिर यहीं, फिर यहीं, और 25 गोल चक्कर के बाद फर्दर और ट्रेवल किया है -pi यहां। अब तक जहां तक हम लोग सीख चुके हैं एक सर्कुलर स्केल पे हम नंबर्स मार्क करेंगे जो एंगुलर पोजीशंस दिखाने के लिए, यहां जहां 0 लिखा है आपको समझना है आज के बाद कि दिस पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 + 2n pi, वेयर n कैन टेक दीज नंबर्स। ये सब लिखेंगे नहीं हम लोग कभी भी नहीं, यहां एक ही नंबर लिखेंगे हमेशा, उस नंबर को कहेंगे उस पोजीशन का प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन, इस पोजीशन का प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन पाई है। यानी अगर हम एक गोल चक्कर घूमना शुरू करें इधर से चलते हुए ऐसे, तो जो पहली बार जो जो नंबर्स से हमको भेंट होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में अब 2 pi ऐड हो जाएगा, थर्ड राउंड में 4 pi, फिफ्थ राउंड, तो पहली बार अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करना शुरू करें, यहां से चलते चलते यहां तक आए, तो जो नंबर से भेंट होगा उस नंबर को कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। यहां हम अगर इधर से घूमते हुए आते हैं, पहली बार 5/2, 5/2, 2 pi/2 हो गया, अनदर 5/2, तो 3 pi/2 पोजिशन है ये, परंतु हम लोग को भूलना नहीं है कि ये 3 pi/2 जिस स्थान पे हम मार्क करके नंबर लिख रहे हैं, इसी स्थान का रिप्रेजेंटेशन 3 pi/2 प्लस 2 pi भी है, प्लस 4 pi, -2 pi, प्लस 18 pi, यानी प्लस मल्टीपल्स ऑफ 2 pi भी इसी स्थान का रिप्रेजेंटेशन है। इस नंबर को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलते हम लोग, डिसाइड ये किए हैं कि किसी भी स्थान का हम प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे तो कैसे बताना है, आपको ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जाना है नियरेस्ट जिधर से वो पॉइंट मिले, जैसे इस पॉइंट पे कोई इधर से भी तो जा सकता है और इधर से भी, अगर इस पोजीशन 5/6 लिखा है, यानी 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री जो है वो 180 डिग्री का छठा हिस्सा है, इसीलिए इस स्थान का नाम 5/6 है। अगर इसी स्थान पे कोई इधर से गया होता तो उस स्थान का नाम 5/6 -2 pi होता, 5/6 -2 pi, ये एंगल और ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल इधर से जाने पे 330 डिग्री होता, तो उस स्थान का नाम अगर इधर से जा करके हम लिखते हैं तो बोलेंगे प्लस 5/6, और इधर से जा करके पहुंचते हैं उस स्थान पे तो ये एंगल का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 2 pi -5/6 विच इज 11 pi/6 है। इधर से जब मूव करेंगे इतना एंगल और वहां पहुंचेंगे
तो उस स्थान का रिप्रेजेंटेशन माइनस 11 पाई बाई 6 लिखें। ये दोनों सेम स्थान रिप्रेजेंट करता है। हम अगर कहें कि एक पार्टिकल है पाई बाई 6 पोजिशन पे अभी खड़ा है और दूसरा विद्यार्थी कहे कि माइनस 11 पाई बाई 6 स्थान पे खड़ा है, आप मेजर करके देखिए दोनों सेम स्थान पे पहुंचेंगे। यानी इधर से आपको मेजर करना है 11 पाई बाई 6 के सामने माइनस लगा है, यानी आपको इतना एंगल नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करना है। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन जब पूछेंगे किसी एंगुलर पोजीशन का तो कैसे बताएंगे आप। हम पूछेंगे इस पोजीशन का प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन बताइए, वो हर कोई सेम आंसर देगा। जैसे इस पोजीशन का सिंपली पूछे रिप्रेजेंटेशन बताइए कौन सा पोजीशन है, इवन दिस आंसर इज करेक्ट, इवन दिस आंसर इज करेक्ट। अगर कोई पाई बाई 6 में एक 2 पाई ऐड करके बताता, ये तो पाई बाई 6 में 2 पाई सब्ट्रैक्ट करके बताया है, और वो कहता कि इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है 13 पाई बाई 6, तो वो आंसर भी करेक्ट होता। लेकिन अगर सबसे पूछे कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो सब आंसर नहीं दे सकते हैं, अब सब कोई को एक ही आंसर देना है। कौन आंसर? ओरिजिन से उस पॉइंट तक चलने पर जिधर से शॉर्टेस्ट नियरेस्ट पड़ता हो उधर से चलना है। तो यहां से चलते चलते इधर से भी जाइएगा तो लंबा रास्ता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट, वही नंबर आपको लिखना है। तो अब सब कोई का जवाब होगा 5/6। अगर यहां पे कोई नंबर हो जो इधर 30 डिग्री दिशा मूव करने पे मिलता हो, अगर इस पॉइंट का पूछे प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन, तो इसी पॉइंट पे आप बहुत तरीका से पहुंच सकते हैं। इधर से चल करके पहुंच सकते हैं, इधर से चल के पहुंचेंगे तो 2 पाई में से थोड़ा कम पाई बाई 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 पाई में से, तो 11 पाई बाई 6 इस पोजीशन का नाम रख सकते हैं, और उसी में 2 पाई ऐड कर दीजिए 4। लेकिन हम प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे तो सबको का जवाब सेम होना चाहिए, नियरेस्ट, जीरो पोजीशन से शॉर्टेस्ट ये दूरी है, क्लॉकवाइज जाने पे हमको शॉर्टेस्ट मिलेगा। तो देयरफॉर इसका प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे तो हर कोई बोलेगा माइनस 5/6। इस पोजीशन का प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे तो जवाब इधर से जा करके नहीं बताएंगे, इधर से बताएंगे क्योंकि इधर से निकट है, इसका पोजीशन बोलेंगे माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 बोलिए या 3 टाइम्स 90 प्लस 90 प्लस 90 3 टाइम्स 90, या प्लस इसमें और जोड़ दीजिए 7 टाइम्स 90, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 हो गया, 5 पाई बाई 2 6 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। इसी पोजीशन का अनेक अनगिनत रिप्रेजेंटेशन है, पर प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन वो यूनिक है, सबको का आंसर सेम होना है। ओरिजिन से शॉर्टेस्ट जिधर से रास्ता हो उधर ही बढ़िए, हाँ साइन मत भूलिएगा, अगर आप इधर मूव करते हैं क्लॉकवाइज तो माइनस लिखना होगा, माइनस इज ओनली इंडिकेटिव ऑफ द डायरेक्शन, आप कितना मूव किए हैं वो ये संख्या है। ये पोजीशन बताइए जो इधर से 120 डिग्री है उधर से स्वाभाविक रूप से 240 डिग्री हो गया, दोनों का सम 360 होता है। तो इस पोजीशन का हम प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन पूछें तो इधर से आइए माइनस कितना एंगल मूव किए 120 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री होता है पाई बाई 3, 60 प्लस 60 प्लस 60 इज पाई, तो इट इज 1/3 ऑफ 180, 1/3, तो 120 डिग्री कितना होगा 60 प्लस 60 तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, सो दिस इज 2 पाई बाई 3 एंगल है, जिसको 120 डिग्री बोलते हैं। इसको पाई में कन्वर्ट करना है तो गुना कीजिए पाई बटे 180 से, क्योंकि 180 का मतलब पाई तय हुआ है, तो 120 का मतलब कितना होगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो डिग्री डिग्री कट जाए और ये 2/3 मिलेगा पाई का। तो इस पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे तो आप बोलेंगे माइनस 2π/3। एक कंफ्यूजन रह गया, इस पोजीशन को का प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हाँ ये थोड़ा शंका हो गया
क्योंकि इधर से मूव करेंगे तो भी उतना ही दूरी और इधर से मूव करेंगे तो भी उतना ही दूरी, जबकि हम कहे थे जिधर से वो निकट हो। तो इसके लिए हम लोग को एक पहले से डिसाइड कर लेना होगा कि इस पॉइंट का तो प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन अगर कोई इधर से मूव करके बताता तो इसको -5 बोलता, और उधर से मूव करके पहुंचता तो इसको 5 बोलता। दोनों सही आंसर है, बट प्रिंसिपल किसको चुने? तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग 5 को चुनेंगे एज प्रिंसिपल, यानी कि इसमें जो पोजिशन है, किसी पोजिशन को अगर हम एक नाम दे दें थीटा, या चलिए एक्स, तो हम एक्स का वैल्यू पूछे कि बताइए, तो एक्स का वैल्यू अनगिनत है जो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो जो जवाब आप देंगे एक्स का वैल्यू प्रिंसिपल, वो एक संख्या होना चाहिए, कितना से कितना के बीच में ही जवाब होगा। देखिए यहां से वहां तक जितना भी पोजिशन है इन सब का प्रिंसिपल वैल्यूज -5 से लेके 0 के बीच में है। -5 सबसे छोटा है, -5 से बड़ा और बड़ा और बड़ा ग्रेटेस्ट, यानी अगर इस स्केल को हम यहां से खोल के सीधा कर दें जिसके सेंटर पे 0 है और उस एक्सट्रीम एंड पे पाई और यहां -5, इसी सर्कुलर स्केल को हम यहां से काट के स्ट्रेट कर दें, तो जब भी हम किसी पार्टिकल का पोजिशन पूछेंगे इस सर्कुलर स्केल पे, तो प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो एक संख्या होगा, इतना से इतना के बीच में जवाब होगा डॉट होगा। एक्स का वैल्यूज आप जब भी बताएंगे तो -5 से बड़ा, लेकिन पाई या पाई से छोटा, ये हम प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ एक्स जब पूछेंगे तो आपका जवाब हमेशा एक रियल नंबर होगा, ग्रेटर देन -5 बट लेस देन और इक्वल टू 5। इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, लेकिन प्रिंसिपल यूनिक। अब हम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, द साइन फंक्शन एंड द कोसाइन फंक्शन। एक सर्कल बनाए हैं ऑफ रेडियस 1 यूनिट, 1 रेडियस का एक सर्कल। एक पार्टिकल है जो इस सर्कल के अलोंग सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, कल्पना करिए, यानी जब वो मूव कर रहा होगा तो कई नंबर्स के थ्रू गुजर रहा होगा। जब वो यहां से गुजरेगा, स्टार्ट करेगा मोशन, तो वो 0 पोजीशन से गुजर रहा है ऐसा बोलेंगे। जब वो इस पोजीशन से गुजर रहा होगा तो हम π/2 बोल देंगे या 1.57 बोलेंगे। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.57 आता है। कभी नहीं बोलेंगे 1.57, लेकिन आपको भुला नहीं जाए इसलिए बीच बीच में याद दिलाते रहे। यहां कहीं 1 लिखा है, 1 माने 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 रेडियन एक एंगल बता रहे हैं, यानी कि ये जो भी डिस्टेंस है उसको एस कहें और जो भी रेडियस है उसको आर कहें, तो एस बाई आर का वैल्यू 1 है, यही लिखे हैं। यानी ये डिस्टेंस जो है एस वो एक्चुअली इक्वल टू आर के बराबर है। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाए हैं तो जहां आप 1 लिख रहे हैं एक्चुअली ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाते हैं तो उस पे जहां 1 लिखा है, पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां आएगा, 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाए हैं और यहां 1 रेडियन लिखे हैं एंगुलर पोजिशन, तो वहां पे डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। जहां 1 लिखा है ओरिजिन से वहां तक का दूरी 2 सेंटीमीटर, अगर यहां पे हम कहीं मार्क करके 2 लिखते हैं मतलब यहां से वहां तक का दूरी डिवाइडेड बाई रेडियस वो इक्वल टू 2 है, यानी यहां से वहां तक का जो दूरी है वो 2 टाइम्स रेडियस के बराबर है। अगर छोटा रेडियस का सर्कल है तो ये दूरी भी छोटा है। अगर 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक सर्कल बना दें, उस पर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो बाय द टाइम इट ट्रेवल्स 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन एंगल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, और कोई इस सर्कल पे ट्रेवल करता है पार्टिकल, तो जब तक वो 1 रेडियन एंगल से डिस्प्लेस्ड हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
तब तक उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल, जबकि दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है वन। तो ये बात को समझना जरूरी है कि इस सर्कुलर आर्क सर्कुलर स्केल पे जो नंबर्स हम लिखेंगे 1, 2 यहां 3, क्योंकि यहां 3.14 है पाई, यानी पार्टिकल चलते 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 जब यहां पहुंचा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो आर पे डिपेंड करता है। अगर आर रेडियस का सर्कल होगा तो जहां 1 लिखा है मतलब अब तक वो आर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका, अब 2 आर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका, अब 3 आर, अब 3.14 आर यानी पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अब 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हम फंक्शंस इंट्रोड्यूस करने के पहले एक महत्वपूर्ण बात, यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका लंबाई हम अगर आपको दे दें एल, और एक कोई एंगल हम दे दें थीटा, अगर ये एंगल थीटा दे देंगे तो आप ये एंगल समझ जाएंगे 90 माइनस थीटा, तो कोई एक एंगल दे दें, आप पूछें कि ये लंबाई कितना है और ये लंबाई कितना है बता दीजिए, तो अगर आपको हम एंगल बता दिए हैं थीटा तो आप उसका सारा रेशियोज जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल हम आपको दे दिए सम डिग्रीज या सम रेडियंस, अब इसका ये वाला लंबाई अगर हम दे दें हाइपोटेन्यूज तो अब बाकी दोनों लंबाई आप निकाल सकते हैं कितना होगा। हम इस लंबाई को कुछ एक नाम दे देते हैं बी, बी निकालना है अननोन है, और इस लंबाई का नाम दे देते हैं पी, अननोन है। अगर हम यहां से एक इक्वेशन लिखें कॉस थीटा बराबर बी बटे एल, तो तुरंत हम बी का वैल्यू अब कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई करके, एल टाइम्स कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू एक फ्रैक्शन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा इनका जो वैल्यूज है वो एक फ्रैक्शन होता है, क्यों सोचिए, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो जब भी आप साइन निकालते हैं डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो उससे बड़ा होता है, तो ये हमेशा एक फ्रैक्शन होगा, लेस देन वन ऑलवेज। कॉस थीटा भी उसी तरह से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज चूंकि सबसे बड़ा होता है इसका वैल्यूज भी हमेशा फ्रैक्शन होता है, इक्वल टू वन भी हो सकता है। अगर 90 डिग्री एंगल पे मेजर कर रहे हो, जैसे जैसे इसको खड़ा कीजिएगा ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और खड़ा कीजिए, 90 डिग्री की तरफ ले जा रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और खड़ा कीजिए, परपेंडिकुलर धीरे धीरे हाइपोटेन्यूज के बराबर होने लगता है, यानी ये धीरे धीरे इसका वैल्यू 1 की तरफ, तो साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बेस छोटा होने लगेगा, जैसे जैसे इस एंगल को बड़ा कीजिएगा बेस छोटा होने लगेगा परपेंडिकुलर बड़ा, तो साइन थीटा का वैल्यू बड़ा होने लगेगा और कॉस थीटा का वैल्यू छोटा होने लगेगा बेस पर, और जब 90 डिग्री के निकट पहुंचेगा तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाएगा, अब बेस का लेंथ ट्रायंगल गायब हो जाएगा, अब सिर्फ दो स्ट्रेट लाइन सक गए, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा, और हमको पता है ये बात कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू जुट करके हमेशा 1 होता है, तो अगर आप एंगल को बड़ा करते जाइएगा जैसे जैसे तो इसका वैल्यू बड़ा होने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से इसका वैल्यू घटने लगेगा, क्योंकि दो चीज का सम अगर कांस्टेंट है तो एक को बड़ा कीजिएगा इसका वैल्यू जब 0.1 है तो इसका वैल्यू 0.9 होगा, जब इसका वैल्यू 0.2 है तो इसका 0.8 हो जाएगा, सो इन दोनों में से का वैल्यू एक जैसे जैसे बढ़ता है दूसरा घटता है, और जब एंगल को कम करने लगेगा तो साइन थीटा का वैल्यू कम होने लगेगा परपेंडिकुलर शॉर्टर एंड शॉर्टर, अब बेस लॉन्गर एंड लॉन्गर यानी हाइपोटेन्यूज के निकट होने लगेगा बेस का लंबाई, तो ये धीरे धीरे जब 0 की तरफ जाएगा तो ये धीरे धीरे 1 की तरफ जाएगा, पर इन दोनों का वैल्यूज हमेशा 1 या 1 से छोटा ही होगा। टेन के बारे में आप ये नहीं कह सकते क्योंकि टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, अब दोनों में जो बड़ा हो
अगर परपेंडिकुलर, जैसे इस चित्र में परपेंडिकुलर बेस से छोटा दिख रहा है, तो ये जो भी एंगल का टेन निकालिएगा तो एक से छोटा नंबर आएगा फ्रैक्शन। पर अगर 45 डिग्री एंगल पे चले गए 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर और बेस का लंबाई सेम दिखने लगता है, तो वहां पे टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 आएगा। और 45 से ज्यादा एंगल पे चले गए तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाता है बेस से, तो अब 10 का वैल्यू 1 से बड़ा है। यानी 10 थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में रखा जाए तो 10 का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, 0 से 45 तक 10, और 45 से बड़ा लेकिन 90 से कम तो 10 का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, और एग्जैक्टली 10 45 1 आता है। तो अब इसका लंबाई कितना होगा? अगर हाइपोटेन्यूज का लंबाई दिया हो L, तो उसके बेस का लंबाई निकालने के लिए L टाइम्स एक फ्रैक्शन, ये संख्या L से छोटा होगा क्योंकि आप L को गुना कर रहे हैं कोई फ्रैक्शन से, 0.8 से, 0.7 से। और परपेंडिकुलर का लंबाई कितना होगा? थीटा के सामने वाला साइड का लंबाई। तो इस बार हम साइन थीटा का इस्तेमाल करें एक इक्वेशन, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज एक इक्वेशन लिखे हैं आप, जिसमें ये अननोन है, बाकी सब नोन है। इस प्रकार आप पी का वैल्यू निकालिए, एल टाइम्स साइन थीटा, ये भी एक फ्रैक्शन है इसलिए ये संख्या एल से छोटा होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है जिसको हम लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। अब एक बार और देखें, ये जमीन है, जमीन और ये दीवार परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मेरा कलम है, ये वाला कलम जो जमीन से पैरेलल नहीं है, जमीन से कुछ एंगल बना रहा है, से एंगल थीटा। हम जमीन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करे हैं, किए हैं डैश डैश डैश, तो जमीन से कितना एंगल बना रहा है वो चित्र में दिया हुआ है थीटा, और कलम का लंबाई दिया है एल। क्वेश्चन, अगर हम ऊपर से रोशनी डालें जमीन के परपेंडिकुलर रेज, सम ट्यूबलाइट जला दे दीवार के पैरेलल, तो जमीन पे एक परछाई बनेगा इस कलम का, परछाई यानी रोशनी सब जगह पहुंच पाएगा, लेकिन चूंकि कलम ओपेक है, यानी एक ऐसा मीडियम है जो लाइट को परमिट नहीं करता है, तो जमीन पे एक परछाई बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। इस कलम का और छोर का नाम अगर ए बी है तो उसका प्रोजेक्शन को हम ए ब्राइम बी ब्राइम नाम से संबोधित करेंगे। उसी प्रकार अगर हम रोशनी इस प्रकार डाले होते, पैरेलल टू द ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द वॉल, तो दीवार पे एक परछाई बनता, उस लंबाई को हम ए डबल ब्राइम और बी डबल ब्राइम, इस सिंबल को प्राइम बोलते हैं। तो ए प्राइम बी प्राइम नाम दिए हैं ए के प्रोजेक्शन को, इस पॉइंट को नाम दिए हैं ए प्राइम, दीवार पे जो प्रोजेक्शन होगा उस पॉइंट का नाम दिए हैं ए डबल प्राइम। ये कितना लंबा परछाई होगा? ये एल के बराबर नहीं होगा, एल से थोड़ा छोटा है। अगर कलम हम ऐसे रख देते पैरेलल टू द ग्राउंड, तो कलम का परछाई जमीन पे आता एग्जैक्टली इक्वल टू एल, और कलम का परछाई दीवार पे आता जीरो लेंथ का, मतलब कलम को एक पतला सा जीरो लेंथ का। अगर हम कलम को ऐसे कर देते तो जमीन पे परछाई का लंबाई जीरो होता और दीवार पे परछाई का लंबाई इक्वल टू एल होता, यानी परछाई का जो लंबाई होगा ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड ऑन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल, ये लंबाई इस एंगल पर डिपेंड करेगा कि कितना एंगल से इंक्लाइन है। अभी जो सीखे हैं उसके अनुसार अगर इसका लंबाई एल है तो इसको हम बेस कह रहे हैं, जो एंगल, अगर एंगल इस एंगल को थीटा कह देते तब इसको बेस कहते, इसको परपेंडिकुलर, तो थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाला जो साइड है उसका लंबाई एल कॉस थीटा होगा, एल टाइम्स अ फ्रैक्शन। और थीटा के सामने वाला जो लंबाई है ये लंबाई एल टाइम्स साइन थीटा। हम लोग इस बात को हमेशा के लिए याद रखेंगे, वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट। ये मेरा हाथ है,
ये जमीन है और ये दीवार खड़ा, ये हम अपना हाथ को रखे हैं, अब कलम नहीं है बल्कि एक सरफेस है। अगर हम ऊपर से रोशनी डालें तो यहां जमीन पे एक हाथ का परछाई बनेगा, उसका जो एरिया होगा वो एक्चुअल जो एरिया है मेरे हथेली का उससे कम एरिया का परछाई बनेगा। और जो दीवार पे परछाई अगर हम लेते हैं इधर से रोशनी डाल के तो उसका एरिया भी कम होगा। अगर हम हाथ को बिल्कुल ऐसे कर दें पैरेलल टू दी वॉल तब रोशनी जो जाएगा वो एग्जैक्टली इसी साइज का परछाई बनेगा और उस परछाई का जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली मेरे हथेली के एरिया के बराबर होगा। अगर इसका जो एक्चुअल एरिया है उसको ए कहें और अगर ये सरफेस जमीन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो थीटा, तो हम साबित कर सकते हैं, अभी थोड़ा स्किप कर रहे हैं बट हम साबित कर सकते हैं कि उसका परछाई जो इस सरफेस पे बनेगा तो उसका एरिया ए टाइम्स कॉस थीटा होगा, जैसे लंबाई का प्रोजेक्शन एल टाइम्स कॉस थीटा होता था, उस सामने वाले दीवार को प्रोजेक्शन थीटा के सामने एरिया ए टाइम्स साइन थीटा होगा। अगर हम बिल्कुल इसको जमीन के पैरेलल कर दें यानी थीटा बराबर जीरो, तो उसका परछाई का एरिया जमीन पे होगा ए टाइम्स कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन यानी इक्वल टू ए, और जो दीवार पे परछाई होगा उसका एरिया ए टाइम्स साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो यानी जीरो एरिया होगा। और अगर हम ऐसे हथेली को रख दें थीटा बराबर 90 डिग्री तो जमीन पे जो परछाई होगा ए कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू जीरो और साइन 90 का वैल्यू वन। ये बड़ा ही छोटा सा रिजल्ट है बट वेरी यूजफुल फॉर अ फिजिसिस्ट। अभी तक हम फंक्शंस को इंट्रोड्यूस नहीं किए, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन अब कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि वन रेडियस का हम वन यूनिट माने वन सेंटीमीटर, वन मीटर, वन मिलीमीटर, वन किलोमीटर, सम यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, उस सर्कल पे हम कुछ नंबर्स मार्क कर रहे हैं, वही एंगल्स कुछ नंबर्स लिख दे रहे हैं, इस स्थान को जीरो, पाई, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू। अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे माइनस पाई बाई टू ही लिखें प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा जरूरी नहीं है। पूछिएगा कि इस पॉइंट का प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन क्या है तो हमको माइनस पाई बाई टू बोलना ही पड़ेगा, अन्यथा जरूरी नहीं है कि हम इस स्थान को जब बोलिएगा तो माइनस पाई बाई टू बोलेंगे, नहीं, हम सोचे हैं कि इधर से चलते हैं इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, इंक्रीजिंग इस दिशा को बोलते हैं डिक्रीजिंग, जैसे स्ट्रेट लाइन में मूव करते तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हम ओरिजिन से चलेंगे डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा और मार्क करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, एक दो चक्कर समाप्त, टू पाई, टू पाई मीन्स जीरो, फोर पाई मीन्स जीरो, फाइव पाई मीन्स पाई, 79 पाई मीन्स इसको, 78 पाई मीन्स जीरो, टू पाई का मल्टीपल्स मीन्स आप वहीं पहुंच गए ओरिजिन पे, 2 पाई, 4 पाई, 78 पाई मीन्स जीरो, तो 79 पाई मीन्स व्हाट, 2 पाई का जितना मल्टीपल्स है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचा वही है, 79 पाई मतलब पाई, 23 पाई बाई 2 का मतलब इसको हम 24 पाई पाई माइनस पाई, 23 पाई को लिख लेते हैं 24 पाई माइनस पाई, दो फ्रैक्शंस में डिकम्पोज कर दें तो 12 पाई माइनस पाई बाई 2, 12 पाई माने जीरो, यानी कि 23 पाई बाई 2 इज सेम एज माइनस पाई बाई 2। अब माइनस पाई बाई 2 अगर आप जानते हैं तो मतलब आप 23 पाई बाई 2 जानते हैं, दिस इज माइनस पाई बाई 2, तो यही स्थान था जिसको हम 23 पाई बाई 2 बोलेंगे, कभी आप समझ जाएंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोजीशन। ये पार्टिकल इस पर चलना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से गुजरेगा, हम किसी पोजीशन से पार्टिकल गुजरेगा हम उसका परछाई एक ले लेते हैं इस डायमीटर पे और एक परछाई ले लेते हैं इस डायमीटर पे, यानी ये पार्टिकल का जो परछाई है यहां पे इस डायमीटर पे उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
इस पार्टिकल का नाम पी रख रहे हैं और उसके इस डायमीटर पे जो परछाई है इस पार्टिकल का नाम कुछ पी एक्स कर दे रहे हैं, इसका नाम कुछ एक्स एक्सिस, इसका कुछ वाई एक्सिस, इस लाइन का नाम, और उसका जो परछाई है वाई एक्सिस पे उसको पी वाई नाम से संबोधित करेंगे। अब ये मूव करेगा, ये दोनों भी मूव करेगा। जब ये पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंचेगा तो उसका पी एक्स वाला पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच जाएगा। ये जब यहां पहुंचेगा तो ये यहां और ये अब यहां पहुंच जाए, तो इसको गोल गोल घूमे दीजिए, इन दोनों को भी अपना अपना स्ट्रेट लाइन में मूव कर दीजिए। अब तीन पार्टिकल के मोशन को हम लोग एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वन पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इधर जाए चाहे इधर जाए लेकिन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और उसका जो दो परछाई है दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये पार्टिकल कंफाइंड है, इतने से इतने दूर के बीच में रहेगा ऑलवेज, और ये पार्टिकल का भी पोजीशन इतना से इतना दूर के बीच में रहेगा ऑलवेज, जबकि इस पार्टिकल का पोजीशन अगर वो इधर जाए तो माइनस इंफिनिटी और इधर जाए तो प्लस इंफिनिटी, यानी इस पार्टिकल का जो पोजीशन है अगर उसको हम डिनोट करें बाय सिंबल थीटा, तो थीटा का वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। टी का पोजीशन जब पूछेंगे तो आपका जवाब कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है लाइन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, लेकिन जब उसके दोनों परछाई का पोजीशन पूछेंगे तो चूंकि दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम इस स्ट्रेट लाइन पे कुछ एक अलग स्केल बना देते हैं, कुछ नंबर्स लिख देते हैं। ये नंबर्स एंगल्स नहीं है, ये अगर वन है यहां से वन रेडियस का सर्कल बनाए थे तो हम यहां से यहां पे 0.5 लिख देंगे, यहां 1, यहां 0.1, 0.2, 0.3, अगर ये 1 मीटर है तो ये 0.5 मीटर है, ये 0.4 मीटर, अगर ये किलोमीटर है बड़ा सर्कल तो ये हाफ किलोमीटर है, अगर ये 1 मिलीमीटर है छोटा सर्कल तो ये हाफ मिलीमीटर है 0.1 मिलीमीटर। तो हम एक स्केल यहां बनाए हैं, माइनस 1 से 1 तक नंबर लिखा है, ताकि इसका पोजीशन कभी भी पूछे आपसे बताइए इसका जो परछाई है इस डायमीटर पे उसको क्यू कह देना चाहिए, और इस डायमीटर पे जो परछाई है टू डायमीटर्स परपेंडिकुलर डायमीटर्स बनाए इसको आर बोल रहे हैं। ये पार्टिकल का पोजीशन जब भी पूछे, इस पार्टिकल का पोजीशन जब भी पूछेंगे कि ये कहां पे है, तो आप जवाब में देंगे एक रियल नंबर बिटवीन माइनस 1 टू 1। इस पार्टिकल का पोजीशन पूछेंगे जब भी कि कहां पे है, चलिए उसके पोजीशन को हम एक्स बोल रहे हैं, और जब हम इस पार्टिकल का पोजीशन पूछेंगे कि वो कहां पे है तो एक और स्केल बना देते हैं, इस डायमीटर पे माइनस 1 से लेकर 1 तक का नंबर्स मार्क कर देते हैं। सो देयर आर 3 स्केल्स हियर, 2 लीनियर स्केल्स, लीनियर बोलते हैं, एंड 1 सर्कुलर स्केल, एंड देयर आर 3 पार्टिकल्स इन मोशन। जब भी हम किसी का पोजीशन पूछेंगे किसी भी एक वक्त पल, तो आप जवाब में हमको देंगे एक रियल नंबर, पी का पोजीशन बताइए, तो आपका जवाब हम इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग सम रियल नंबर, सम मल्टीपल ऑफ पाई, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी नंबर, जरूरी नहीं है कि आप प्रिंसिपल नंबर बताएं, एनी नंबर, आप 13π/6 बोल दीजिए, हम समझ जाएंगे कि 13π/6 कहां है। वो 12π माने 13 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और प्लस एक रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2π खत्म हो गया, π/6 बोल रहे हैं आप, 13π/6 का मतलब π/6। और जब हम इन दोनों पार्टिकल्स का पोजीशन पूछेंगे उनको कहते हैं उस एक्चुअल पार्टिकल का प्रोजेक्शंस, तो फिर हम एक नंबर इंतजार कर रहा होगा मेरा कंप्यूटर, बट इस बार जो आप नंबर जवाब देंगे इट विल बी अ नंबर लाइन बिटवीन माइनस 1 टू 1। ये इतने ही दूर में ऑसिलेट करेगा ऐसा बोलते हैं, ये पार्टिकल भी माइनस 1 से 1 के बीच में ही हमेशा पाया जाएगा। इस पार्टिकल का जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को हम एक नाम रख रहे हैं COS x, cos of x।
और इस पार्टिकल का जो पोजीशन है उसको एक नाम रखते रहे हैं साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि अगर हम ये पार्टिकल का पोजीशन आपको बता दिए कि इस वक्त वो पाई बाई सिक्स पोजीशन पे है, अब हम पूछेंगे कि कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू बताइए, ऐसा ही बोलेंगे, ये मेरा भाषा होगा। जैसे आपको बोलेंगे ना कि हमको एक गिलास पानी पिलाइए, आप समझ जाएंगे ना कि हम क्या चाहते हैं। तो हम जब बोलेंगे कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू बताइए, तो आप समझेंगे कि इस पोजीशन से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस डायमीटर पे, और जो भी नंबर यहां मिलेगा वो नंबर माइनस वन से वन के बीच में कोई नंबर होगा, सम नंबर बिटवीन माइनस वन टू वन, वही पूछ रहे हैं। और जब हम साइन ऑफ एक्स पूछेंगे तो अब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस लाइन पे, जो नंबर मिलेगा वही आंसर यहां लिखेंगे। दैट इज हाउ कॉस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स आर डिफाइंड। जैसे हम अगर पूछेंगे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताइए और साइन 30 डिग्री का, या कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स का वैल्यू बताइए ऐसा बोलेंगे, और साइन ऑफ पाई बाई सिक्स का, तो आप समझेंगे कि हमको पाई बाई सिक्स एंगुलर पोजिशन पे कल्पना करना है कि हम एक पार्टिकल वहां स्थित कर दिए और वहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और ये वाला जो भी नंबर है वो यहां लिखेंगे और ये वाला जो भी नंबर है वो यहां लिखेंगे। अगर एक्चुअली में आप 30 डिग्री पोजिशन पे आ चुके हैं, यानी ये एंगल अगर अभी 30 डिग्री है, तो साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू, यानी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ठीक इन दोनों के बीचों बीच वो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, और इसका वैल्यू कुछ हाफ आ जाएगा, और इसका वैल्यू रूट 3/2 के बराबर आए, यानी 1.732 डिवाइडेड बाई 2 कुछ 0.86 जैसा नंबर आएगा, और ये 0.5 जैसा नंबर आएगा। अगर हम ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस ऑफ 120 डिग्री, मतलब 2π/3, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, और साइन ऑफ 2π/3 का वैल्यू बताइए, तो आपको समझना है आज के बाद कि 2π/3 पोजीशन पे अगर ये पार्टिकल रहता, इस पार्टिकल को एक नाम दे देते हैं, इस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फेजर, जो गोल गोल घूम रहा है, जब मन जहां चला जाएगा लेकिन उसी सर्कुलर पाथ पे रहेगा, उस पार्टिकल को एक नाम रख देते हैं फेजर, और इस चित्र को बोलते हैं फेजर डायग्राम। यानी कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का वैल्यूज तब तक आप नहीं समझ सकते हैं जब तक कि इस डायग्राम को नहीं समझे। इसी डायग्राम में डिफिनेशन है साइन और कोसाइन फंक्शन का। अगर हम कॉस ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू जानना चाहते हैं, साइन ऑफ 120 डिग्री, यानी आपको कल्पना करना है कि आपका जो फेजर है वो 120 डिग्री पोजीशन पे इस वक्त रुका हुआ है, 2π/3 पोजीशन पे रुका है, और इस समय जो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उस डायमीटर पे, वही नंबर है को कहते हैं साइन ऑफ 2π/3। उसका वैल्यू जो भी आपको मिलेगा वो कुछ नंबर होगा, 0 से 1 के बीच में कुछ 0.8 होगा कुछ होगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर जो नंबर मिलेगा उसी को कहेंगे कॉस ऑफ 2π/3। वो फिर एक नंबर होगा, माइनस 1 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा, यानी जिस चीज को भी हम कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन के नाम से पुकार रहे हैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है दोनों का, माने एक्स कौन कौन एक्स के लिए हम इसका वैल्यूज पूछ सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि एक्स का जो वैल्यूज है, दिस इज एक्स, इफ दिस इज एक्स दिस इज कॉस एक्स एंड दिस इज साइन एक्स, दिस नंबर इज कॉस एक्स, तो ये फेजर घूमता रहेगा और हर समय परपेंडिकुलर ड्रॉप कर करके हम जल्दी कोसाइन वैल्यू और साइन वैल्यू पता चल जाएंगे। तो कौन कौन नंबर का, ऑल रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी द वैल्यूज ऑफ एक्स कैन टेक एनी रियल नंबर्स, और ये रिटर्न क्या करता है, ये हमेशा माइनस वन से लेके वन के बीच में ही एक नंबर रिटर्न करेगा, दोनों फंक्शन का रेंज सेम है।